देखिएगा 12 में 12 का गुणा करो, 12 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएंगे 144, गुणा करने पे 144, 12 इंटू 12 इज 144, और जोड़ो 12 और 12 कितने हो गए 24। तो इस तरीके से हम मध्य पद को दो भागों में बड़ी आसानी से विभाजित कर सकते हैं। मध्य पद को दो भागों में बड़ी आसानी से विभाजित किया जा सकता है। तो 12x² + 12x + 12x + 12 ये ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना। अब इसमें से 12x बाहर आ गए, 12x बाहर आ गए तो ये देखो 12 बोले बाहर आ गए, x की दो पावर है, दो में से एक x बाहर आ गया तो एक रह गया, और 12x के 12x बाहर आ गए। देखो यहाँ पे यहाँ 12x है और यहाँ पे 12x, तो 12x के 12x बाहर आ गए तो यहाँ एक कितना पड़ेगा, क्योंकि 12x एकम 12x 12 एकम 12। इसी प्रकार से इसमें 12 बाहर आ गए तो यहाँ एक से रह गया, 12 एकम 12, ताकि कोष्टक खोले तो वापिस यही संख्या आना चाहिए। देखो 12 का x में करो, 12 का x में गुणा करो 12x, 12 का 1 में गुणा करो आगे वापिस 12, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों ब्रैकेट सेम है। इसको वन टाइम लिखो x+1 एंड फिर ये अगले ब्रैकेट में 12x+12। इसको चाहे तो और आगे भी आप हल कर सकते हैं, आपकी इच्छा है कि नहीं, मैं तो हमको तो इसको और आगे भी हल करना है। तो देखो x+1 इन्हें गुणा, अब 12 इसमें भी है और 12 इसमें भी है, तो आप 12 कॉमन ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं 12, यहाँ रह जाएगा x, और यहाँ 12 का पड़ा बोलो 12 आ जाए, 12 का पड़ा बोलो 12 आ जाए, 12 एक 12। अब ये ब्रेकेट और ये ब्रेकेट सेम टू सेम हो गए कि नहीं हो गए, तो 12 को तो आगे लिख दो, और ये x+1 और x+1 कितनी बार है, दो बार है, तो ये हो गया आपका x+1 का होल स्क्वायर। दिस इज आंसर, यही उत्तर है। चलिए करें सुनो, अगला प्रश्न है 13x² + 26x + 13 13 में 13 का गुणा करो, तो 13 में 13 का गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 13 में 13 का गुणा करेंगे तो 13 में 13 का गुणा करेंगे 13 गुणित 13 कितने होंगे 26, और 13 में 13 का गुणा करेंगे तो 169। बिल्कुल सही बताया। चलो तो ये हो जाएगा आपका 13x² + 13x + 13x + 13, फिर 13x कॉमन, x 13 एकम 13 13 एकम 13, फिर x+1 देखो अब इसमें से 13 बाहर ले लो, इसमें भी 13 ये भी 13 बाहर आ गए, 13 एकम 13, ये सेम टू सेम है x+1 x+1 दिस इज आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 14x² + 28x + 14, 14 में 14 का गुणा करेंगे तो
196, कितना आएगा 196 आता है, 14 में 14 का गुणा करो 196 आता है, और 14 और 14 में जोड़ेंगे तो 28, यानी कि ये मध्य पद को दो भागों में हम बड़ी आसानी से हम बांट पाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 14x² + 14x + 14x + 14, अब 14x कॉमन ले लो, x + 14 = 14, इधर से 14 बाहर आ गए, x + 1 और अब ये हो जाएगा आपका x + 1 = 14x + 14, ठीक है यहाँ तक।